today our presentation topic is expiratory system. First of all, making of waste products. Waste products कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं और किस चीज़ से बनते हैं? Waste products हैं वो हमारे food से जो हमारे compound बनते हैं जिसमें उनके टूटने की वजह से बनते हैं. अब compound कौन से होते हैं? Calcium, potassium, water and glucose. इनके टूटने से हमारे जिस्म में कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जो हमारे जिस्म की काम की चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जिन्हें हम हो जाते हैं और हमारे यूरेथ्रा के जरिए एक्सक्रिएट हो जाते हैं. अब दो ही बातें हमारे जनरल आर्टरी और जनरल वेन में जनरल आर्टरीज वो होती है जो हमारा ब्लड प्रोवाइड करती है जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और रेनल वेन वो होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे दिल तक पहुंचाती है साफ करने के लिए. और हमारे जिस्म में नर्व्स भी होती हैं. नर्व्स वो होती है जो रिसेप्टर से जुड़ी होती हैं. जब हमारे जिस्म में कोई चोट लगती है तो सबसे पहले हमारे रिसेप्टर्स को पता चलता है और नर्व्स को पता चलता है. नर्व्स मैसेज देती है स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड मैसेज देता है ब्रेन और ब्रेन जब ऑर्डर देता है तो फीडबैक के तरीके से उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करता है. यूरिनरी ब्लैडर हमें एक ब्लैडर होता है और यूरिनरी का भी एक ब्लैडर होता है जो किडनी की शेप होती है बिल्कुल लोबिया की तरह होती है या हम काजू की शेप का भी कह सकते हैं कि वो नहीं होती कि वो काजू की शेप की तरह से होती है. और जो हमारी किडनी होती है वो हमारी बैक साइड पे होती है. उनका रुख जो होता है हमारी रीढ़ की हड्डी की तरफ होता है जिस तरह यहाँ दिखाया गया है. इनका रुख हमारी रीढ़ की हड्डी की तरफ होता है. जो वो दूसरी किडनी होती है उसका भी रीढ़ की हड्डी की तरफ रुख होता है. और इनमें क्या होता है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे कंपाउंड टूटने की वजह से बनते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट जाके सारे किडनीज में स्टोर होते हैं और किडनीज के साथ हमारी जुड़ी होती है यूरेथ्रा. यूरेथ्रा वो नालियाँ हैं जो हमारी किडनी से जुड़ी होती है. इसी तरह की दो नालियाँ होती है जो हमारी किडनी से जुड़ी होती है जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी